क्राइम केसेस के मामलों में दिल्ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन महिला अपराध के मामलों में हाल के दिनों में मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई घटनाओं ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। मुंबई साकिनाका रेप केस की कार्रवाई अभी चल ही रही थी कि मुंबई से सटे हुए थाने में एक 15 साल की लड़की के साथ सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। क्या है यह पूरा दिल दहला देने वाला मामला, आइए बताते हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। साकिनाका रेप और मर्डर मामले के बाद मुंबई से सटे थाने के डोंबिवली में पिछले 9 महीने से एक 15 साल की लड़की के साथ 33 लोगों के गैंग रेप करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने इस केस में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। इन दोनों नाबालिगों को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो का केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई है। डोंबिवली की इस घटना से जुड़ी कई दिल दहला देने वाली खबरें अब सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक इस इलाके में रहने वाली 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार की इस वारदात को पिछले 9 महीनों से अंजाम दिया जा रहा था। इस साल जनवरी में हुई पहली घटना के दौरान आरोपी ने रेप का वीडियो बना लिया था, जिसके बाद वह लड़की को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। यह पूरा मामला तब सामने आया जब बुधवार 22 सितंबर को पीड़ित लड़की ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इस केस की जांच कर रहे एसीपी दत्तात्रेय कराले ने बताया कि ये अपराध इस साल 29 जनवरी से 22 सितंबर के बीच अंजाम दिए गए। यह सब तब शुरू हुआ जब लड़की के प्रेमी ने जनवरी में उससे दुष्कर्म किया और घटना की वीडियो बना ली। उसने वीडियो को लेकर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू किया। बाद में उसके दोस्तों और साथियों ने डोंबिवली, बदलापुर, मुरबाद और रबाले समेत अलग अलग स्थानों पर कम से कम 4 से 5 बार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक इस सनसनीखेज मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त सोनाली ढोले के नेतृत्व में एक एसआईटी कर रही है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने 33 लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें से 28 को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को शहर की एक अदालत ने 29 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। फडणवीस ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुंबई में एक घटना सामने आई थी, अब शांतिपूर्ण बस्ती माने जाने वाली डोंबिवली में ऐसी घटना घट रही है, यह बेहद चौंकाने वाली बात है। डोंबिवली की जो घटना है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने एक महिला के साथ जिस प्रकार से व्यभिचार किया है, उस पर जिस प्रकार से बलात्कार किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इसका ये परिचायक है। और हम मांग करते हैं कि इसकी तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके मामले में करनी चाहिए और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है, डोंबिवली जैसा इलाका जो एक शांत इलाका माना जाता है, ऐसे इलाके में भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य की सरकार ने इस बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इस प्रकार के आरोपियों के ऊपर हम लोग एक प्रकार से जो उनके मन में डर पैदा करना है वो नहीं कर पाए। वही महिला मोर्चा भी इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ ने इस मामले के सामने आने के बाद मानपाड़ा थाने में प्रदर्शन किया। दूसरी ओर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधानसभा की उपसभापति नीलम गोरहे ने कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर फिर एक बार आघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र राजभवन आमने सामने है।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश में बढ़ते महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग उद्धव ठाकरे सरकार से की है, जिसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि विपक्ष की मांग को राज्यपाल द्वारा दोहराया जाना संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है। ऐसे में राज्य में हाल में घटी घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी ही है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध से निपटने के लिए सरकार और पुलिस क्या तरीका अपनाती है, इस पर नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।